माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में, अमाल में बरकत डालें। आज हमारी रेसिपी है अरवी गोश्त, और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज, 1/2 किलो अरवी, 1/2 किलो गोश्त मटन का हमने लिया है, आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून सुर्ख मिर्ची, 1 स्पून सूखा धनिया, 1/2 स्पून आपने लिए हैं गरम मसाला, 1 टेबल स्पून आपने लिया है जिंजर पाउडर लिया है, और 1 स्पून आपने हल्दी ली है। आपने सबसे पहले प्याज़ों को ले लेना है, 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज जो आपने लिए हैं उनको हमें ऑयल डाल देना है तकरीबन 1 प्याली, और उनको मीडियम फ्लेम पर आपने उनको पकाना है जब तक वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा सा अपना कलर चेंज ना कर दें। और साथ फिर हमने साबुत लहसुन डाल दिया है। चीज़ें हमारी ये साथ साथ देखें, साथ साथ हमारा इसमें थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू होगा हम इसमें अपना मटन डाल लेंगे, और इसको अच्छे से पानी खुश्क होने तक भूनेंगे जितनी देर तक मटन का कलर चेंज हो जाए और इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर भी इसका चेंज हो गया है और पानी भी इसका अच्छे से खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर अब हम इसमें अपने 2 बारीक कटे हुए टमाटर और 6 से 7 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, और साथ ही अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो तो फिर हम इसमें अपना जो मसाला जाते हैं नमक मिर्ची वगैरह वो सब ऐड कर देंगे, और फिर अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे इतनी देर तक कि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए अपने मसाले से। ठीक हो गया, देखिए जैसे यहाँ पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं अच्छे से, जिससे हम ऑयल सेपरेट हो जाएगा मसाले से, फिर हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल के कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये मटन जो है ये गल जाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से इसको बंद कर सकते हैं ताकि आपका गोश्त गल जाए, बस इतनी देर तक इसको बंद करना है। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो देखें हमारा ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, साथ ही हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम मज़ीद 10 मिनट की इसको भुनाई करेंगे ताकि ये बेहतरीन जायका इसका हो जाए, और ये ऑयल इसका मज़ीद निखर है, जो पानी हमने डाला है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है अरवी को, जो हमने क्यूब्स में काट के रखी हुई थी, अब हमने इसको अच्छे से इसमें भुनाई कर देनी है। इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है जितनी देर में ये मसाला अरवी के साथ अच्छे से लगने जाए, मिल जाए, और जब ये फिर दोबारा ऑयल सेपरेट हो जाए देन हम इसमें, देखें हमारा ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो गया, अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करके इसको दोबारा से कुकर बंद कर देंगे, ताकि कुकर हम इसलिए बंद करें, आप ऐसे रखेंगे तो तकरीबन आपके 20-25 मिनट लग जाएंगे, और कुकर में आपका ये होगा कि 2 मिनट में आपकी सब्ज़ी गल जाएगी और आपका पानी इतना खुश्क हो जाएगा जितना आपने तैयार रखना होगा। ये देखें जी, हमारी बेहतरीन सी अरवी गोश्त तैयार है।